हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगम पांडे। होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी एक डे क्रीम किस तरीके से बनाने हैं मुझे, और नाइट क्रीम मैं किस तरीके से बनाऊंगी अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने के लिए। विटामिन ई की कैप्सूल बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है गाइस। सो हम इस दोनों नाइट क्रीम के लिए एंड डे क्रीम, दोनों क्रीम के लिए मैं विटामिन ई का कैप्सूल का यूज करूंगी और दिखाऊंगी कि हमारे किस तरीके से बिल्कुल नेचुरल सा विटामिन ई की कैप्सूल से हमारा क्रीम बनकर रेडी होता है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी। सो गाइज, मुझे इस रेमेडी बनाने के लिए मुझे चाहिए एक फेस बॉल, और उसमें मुझे चाहिए एलोवेरा जेल। जो कि मैं यहाँ पे जो यूज कर रही हूँ वो है हमारा कल्याण आयुर्वेदा का एलोवेरा जेल, जो कि आप देख सकते हैं। आप जो भी ब्रांड का यूज करते हैं वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। सो देखिए, मैं यहाँ पे लगभग 1 टेबल स्पून ले रही हूँ एलोवेरा जेल, जो कि आप देख सकते हैं इस तरीके से। देख, इसमें मैं ऐड करूंगी विटामिन ई की कैप्सूल, जो कि हमारे पास ये है, देख सकते हैं। मैंने इतना सारे है जो यूज कर रखी है, ये मार्केट में कोई भी केमिस्ट स्टोर पे आपको इजीली मिल जाएंगे। 32-35 रुपीज इसकी प्राइस होती है गाइस। सो देखिए, मैं यहाँ पे एक विटामिन की कैप्सूल ऐड करूंगी एंड इसे इस तरीके से होल्ड करूंगी एक पिन की हेल्प से, देख सकते हो। एंड इसे जितने भी लिक्विड है मैं इसमें ऐड करूंगी। और विटामिन ई स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है गाइस। ये हमारे स्किन को नरिश करके रखता है, बिल्कुल अंदर से नरिश करेगा एंड आपके जितने भी स्किन जो भी है डेड स्किन उसे रिमूव करेगा, डार्क स्पॉट्स को हटाएगा। सो देखिए, इसमें जब मैं विटामिन ई की कैप्सूल डालते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके का लाइक सीरम जैसा हो जाता है, इसका कंसिस्टेंस जो कुछ इस तरीके से हो जाता है। इसे आप जब भी मेकअप कर रहे हो उसके पहले आप एज अ प्राइमर इसे यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए। बिल्कुल नेचुरल है हमारा, होम मेड। ऐसे आप जब भी विटामिन ई का कोई भी आप सीरम चाहे कोई भी लेते हो तो उसे बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है आपके स्किन पे इफेक्ट करने में, एंड उसे पता नहीं होता कि उसमें केमिकल फ्री है या केमिकल है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल हमारा नेचुरल रेडी हो गया। और इसे मैं देखिए यहाँ पे अच्छे से मैच नहीं किया तो मैं इस तरीके से मैच कर लूंगी। अभी जो हमारा हैंड है बिल्कुल फ्रेश है गाइस, तो देखिए इस तरीके से मैंने बना के कुछ इस तरीके का कंसिस्टेंसी है वो रेडी हो गया। लेकिन इसे एक मैं इस तरीके का, आपके पास अगर खाली कुछ सा है तो आप इसे डब्बे में स्टोर कर सकते हैं। सो देखिए, हमारे पास इस तरह का खाली डब्बे थे तो मैं इसे इसमें स्टोर कर लेती हूँ। जब भी मेरे को कुछ इस तरीके का बनाने होते हैं तो मैं इस डब्बे में ही यूज करती हूँ। सो देखिए, कुछ इस तरीके से मैं इसे स्टोर करके रख लूंगी एंड इसे महीने 2 महीने तक आराम से यूज कर सकती हूँ गाइस। इसे फ्रीजर में रखना है, फ्रीज में रखना है। सो देखिए, हमारा कुछ इस तरीके का बन गया, रेडी हो गया हमारा। ये डे क्रीम के भी तौर पे भी आप यूज कर सकते हैं। सो चलिए, ये हमारा जो था वो फर्स्ट मैं बता दी कि डे क्रीम किस तरीके से बनाते हैं। अब मैं बनाऊंगी नाइट क्रीम, तो नाइट क्रीम के लिए मैं दिखाती हूँ। सो देखिए, इस तरीके से आपको फ्रीजर में स्टोर कर देना है। आप मेकअप करने से पहले आप डेली इसे अप्लाई कर सकते हैं अपने स्किन पे। सो आइए, अब मैं बताऊंगी आपको सेकेंड नाइट क्रीम बनाने के लिए मुझे कोई सा भी आपको नाइट क्रीम ले लेना है, आप जो भी ब्रांड का यूज करते हैं। सो देखिए, मैं यहाँ पे ये नाइट क्रीम ले ली है। देन इसके बाद मैं इसे अच्छे से खोल के इसमें मैं लूंगी एक विटामिन ई की कैप्सूल, ठीक है, इस तरीके का। देन ये विटामिन ई की कैप्सूल है जो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये आपकी स्किन को यंगर लुक देता है गाइस, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। एंड इसे मैं अपने हैंड पे अप्लाई करके भी दिखाऊंगी। तो गाइस, यू कैन सी कितना ज्यादा हमारा स्किन है वो मॉइस्चराइज हो गया एंड लाइट सा भी आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से हमारा ये हाथ में कितना ज्यादा डिफरेंस लग रहे होंगे आपको। सो
आज का मेरा वीडियो यही था, मैं नेक्स्ट वीडियो में और छोटी छोटी टिप्स लेकर के आती रहूंगी। सो थैंक यू, बाय बाय।